अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय किचन एट फ्रेश फ्रॉम द ओवंस, वेलकम टू माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूनिक, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की और मेरी बहुत ही हिट एंड फेमस चिकन ब्रेड्स की रेसिपी, जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी क्योंकि हम लोग काफ़ी अच्छी अच्छी मीट की रेसिपीज़ कर चुके हैं। सो आई थॉट ऑफ शेयरिंग अ स्नैक जो कि आप लोग अपनी ईट ट्रॉली पे रख सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बोल में ऐड कर रही हूँ 6 कप के बराबर मैदा, इसको मैंने छान लिया है। अगर आप लोगों के पास मशीन नहीं है तो आप लोग हाथ से गूंदेंगे, सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, इतना नीट करेंगे कि आपकी जो डो है वो इलास्टिक हो जाए। बस अब इसमें मैं ये ऐड कर रही हूँ इंस्टेंट ईस्ट, जिसकी मैं 3 टीस्पून्स, लाइक जो आपके बेकिंग वाले चम्मच होते हैं वो टीस्पून्स में, उसकी मेजरमेंट्स में मैं 3 टीस्पून्स इसमें ऐड करूँगी। 6 कप मैदा, 3 टीस्पून्स ऑफ ईस्ट, ये 1 बोल डो है, इसकी मैं कोई प्रूफिंग नहीं कर रही हूँ, इसलिए भी ये आप लोगों के लिए बनाना बहुत आसान होगा। आपने भी सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, मैं मशीन से गूँदूँगी, आप लोग हाथ से गूँध लें जिनके पास मशीन नहीं है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जी 2 अदद अंडे, और हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून्स ऑफ सॉल्ट, 1.5 चम्मच के बराबर, ये 1 चम्मच चला गया। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून मोर ऑफ सॉल्ट, और उसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून भर के शुगर का। शुगर से ये है कि आप लोगों की डो का कलर बहुत ही प्यारा गोल्डन आता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपकी ब्रेड्स का कलर इतना प्यारा कैसे आता है, तो दैट्स द रीज़न कि इसमें जब आप लोग शुगर ऐड करते हैं तो उसकी वजह से जो डो का कलर है वो कैरमलाइज हो जाता है और बहुत प्यारा आता है। अब इसके लिक्विड इन्ग्रीडियंट्स बाकी के, जिसमें मैं लूँगी 500 मिलीलीटर के बराबर दूध, तकरीबन 4 1 टेबलस्पून के बराबर मक्खन, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम इसको बिल्कुल से गर्म नहीं करेंगे, ये रूम टेम्परेचर पे दूध है और रूम टेम्परेचर पे ही मक्खन है, वो मैंने दूध में ऐड किया है। और पहले मैंने तकरीबन 1 मिनट के लिए मशीन को चलाया, जिसमें अंडे, ईस्ट, नमक और चीनी को मिक्स किया, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध और मक्खन का मिक्सचर। ये देख सकते हैं आप लोग, पहले मैंने आधा ऐड किया और फिर मैं बाकी का ऐड करूँगी। आप लोगों से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी और यही टिप है इसका मेन, कि जब आप लोगों ने डो बनानी है तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके दूध ऐड करना, एकदम से नहीं करना, बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्मी है। अगर से आप लोग एकदम से दूध सारा ऐड कर देंगे तो जो डो है वो बहुत ज़्यादा रनी हो जाएगा, सो जो ब्रेड्स की शेप है वो होल्ड नहीं करेंगी, वो उस तरह से स्टेबल नहीं रहेगा डो। सो बेटर कि आप लोग आराम आराम से दूध ऐड करें। 500 ग्राम के बराबर मैंने मिलीलीटर्स के बराबर दूध दिया, लेकिन मैंने उसको ऐड किया आराम आराम से और ये तकरीबन सारा ही जो दूध है वो इसमें चला गया था। मैं आप लोगों को फिर भी कहूँगी, जब 450 ml दूध आप इसमें ऐड कर लें उसके बाद आप लोग रुक जाएँ, एक दफ़ा डो को पूरा का पूरा फॉर्म होने दें, आपके हाथों से ना चिपके, टेबल से ना चिपके, अगर आप मशीन में बना रहे हैं तो बोल से ना चिपके, लेकिन सॉफ़्ट होना चाहिए। देखिए शेप भी इसकी होल्ड है लेकिन डो जो है वो स्टिकी है और सॉफ्ट है, ये ऐसी नहीं है कि बहुत ही हार्ड डो है और या फिर ये कि बिल्कुल से रनी हो गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सो मैंने जब यूज़ किया दूध तो मेरा 500 ml 6 कप के आटे में चला गया। और जो आपने मैदा लेना है वो भी मैं आपको यही बताऊंगी कि उसको आपने हीपिंग लेना है, फ्लैटन करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा सा आप भर के मैदा लें, तो 6 कप के बराबर मैदा जो है वो भर के होगा। अब ये मैंने इसको अच्छा सा देखे टेबल पे ही थोड़ा सा रोल किया बोल से निकालने के बाद, और ये कितना स्मूथ है, ना तो इस डो पे कोई क्रैक्स हैं और कितना स्मूथ ही ये जो बॉल बन गया। इसकी सरफेस पे आप लगाएंगे थोड़ा सा बटर और फिर इसको कवर करके तकरीबन 30 से 40 मिनट्स के लिए छोड़ दें, और अगर आप लोगों को ज़्यादा टाइम है तो आप लोग इसको फिर फ्रिज में रखें, बाहर नहीं छोड़ें। अब हम तैयार करेंगे जी इसकी फिलिंग, जो इसका स्टेप नंबर 2 है, जिससे मैंने लिया है 1 किलो के बराबर बोनलेस चिकन, और मैंने इसको ऐड किया तकरीबन 1 लीटर के पानी में, और 1 पॉड ऑफ गार्लिक, होल पॉड ऑफ गार्लिक, और 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, दैट्स इट। बस ये चिकन जैसे ही 15-20 मिनट में उबल जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो आपने इसको यखनी में से ड्रेन कर लेना है और इसको बोल में निकाल लेना है, लेट इट कूल फॉर अ वाइल, फिर आप इसको ऐड कर देंगे प्रोसेसर में, विस्क करें फॉर 1 to 2 मिनट्स, और ये आपका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का श्रेडेड चिकन रेडी है। अब हम क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे, उसको गरम करेंगे और उसमें डाल देंगे तकरीबन से 6 से 8 टेबलस्पून के बराबर तेल, या आप लोग प्लीज़ मेजर करके डालें बेहतर है, उससे ये होगा कि बहुत ज़्यादा आपकी जो फिलिंग है वो ऑयली नहीं होगी। सो 6 to 8 टेबलस्पून आप ऑयल डालेंगे और इसमें तकरीबन 6 बड़े साइज़ के प्याज, मीडियम टू लार्ज, बेहतर है कि आप लोग ज़रा बड़े साइज़ के प्याज लें, उसको आपने इसी तरह से मशीन में डाल के तो चॉप कर लेना है, मैंने भी मशीन में से ही चॉप किया, लेकिन उसको पेस्ट नहीं बनाना, पानी नहीं बनाना, चंकी चंकी आपने उसको रखना है।
जब ये हल्का सा सौते हो जाए तकरीबन 5 to 7 minutes, उसके बाद आप इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ अ कप ऑफ मैदा और 1/4 कप के बराबर मक्खन, यानी आधा कप मैदा आपने इसमें ऐड कर देना है और 1/4 कप के बराबर यानी 4 tablespoons के बराबर आपने 60 ग्राम मक्खन ऐड कर देना है। इसको आप हल्का सा स्टर फ्राई करें एंड देन ऐड द स्पाइसेस, सॉल्ट, ओरिगैनो, ब्लैक पेपर, कुटी मिर्च और चिकन पाउडर। स्पाइसेस की सारी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 300 ml के बराबर दूध, 300 ml ऑफ मिल्क आप इसमें ऐड करेंगे और इसको एक दरमियाना सा सॉफ्ट सा जो है ये आपका मिक्सचर बैटर जो है ये रेडी हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको स्टर करना है यानी मसाले कुक थ्रू हो जाएं। तो अब हम इसमें डाल देंगे श्रेडेड चिकन जो कि अभी हमने मशीन से निकाला था, वो आप इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आप इसको इतना मिक्स करेंगे कि मिक्सचर जो है वो आपका बिल्कुल से स्टेबल हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है वो डो बहुत हार्ड बना देते हैं और जो मिक्सचर है वो उसको बहुत सॉफ्ट रखते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना। डो को आपने मीडियम सॉफ्ट रखना है और मिक्सचर को भी मीडियम सॉफ्ट रखना है, ना तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो लेकिन रनी भी नहीं होना चाहिए। इस तरह से 2-2 tablespoons आप ऐड करके तकरीबन आप समझ लें इसमें 350 ml जो है वो टोटल दूध गया था, एक चाय का मग्गा भर के पहले एंड देन हाफ अ मग अगेन, और ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फिलिंग रेडी है। नाउ लेट्स पंच द डो। देखिए ये कितना थोड़ा सा मैंने रखा था, छोटा सा बोल था उसकी बेस पे बोल की, और अब ये देखें फूल के कितना ऊपर आ गया। सो इसको हमने एक दफ़ा से फिर से नीट करना है। इसमें से हम लोग इसको बोल में से निकाल लेंगे, थोड़ा सा खुशका डस्ट करें। एक मैं आप लोगों को और टिप दूंगी कि प्लीज़ खुशका बहुत सारा डस्ट ना करें, उससे जो आपका डो है ना वो ड्राई आउट हो जाता है। सो बस थोड़ा थोड़ा ही, देखिए मैंने बिल्कुल से साइड पे थोड़ा सा खुशका लगाया और इसको मैंने एक दफ़ा फिर से नीट किया और ये देखिए कितना ही स्मूथ और इलास्टिक डो जो है ये हमारा रेडी है। इसको हम पोर्शंस में काटेंगे, इसको खींच खींच के आपने पेड़े नहीं बनाने, इसी तरह से आपने स्क्रेपर से इसको काटना है ताकि जो इसमें हमने एयर जो इसमें इनकॉर्पोरेट हुई हुई है वो इसी में रहे और वो सारी की हम स्ट्रेच कर करके उसको ख़राब ना करें। अब हमने इक्वल साइज़ के पेड़े लेने हैं ताकि हमारी ब्रेड्स भी एक जैसी बने और उनका बेकिंग टाइम भी सेम रहे। मैं 150 ग्राम्स का पेड़ा रिकमेंड करती हूँ, जो एक लॉन्ग साइज़ की ब्रेड होती है, अच्छे साइज़ की ब्रेड आप चाहें तो 120 ग्राम्स का भी पेड़ा ले सकते हैं, जस्ट डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। सो मैं 150 ग्राम का पेड़ा लेती हूँ बिकॉज उससे बहुत ही लॉन्ग और अच्छे साइज़ की ब्रेड बन जाती है। फिलिंग तकरीबन ठंडी हो गई है, इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड कर दिया, क्यूब्स, चीज़ आपकी मर्ज़ी, आप जितनी मर्ज़ी ऐड करें। मैंने 400 ग्राम्स का पूरा ब्लॉक जो है वो काट लिया था और वो मैंने ऐड कर दिया। दो तरीक़ों से हम फिलिंग करेंगे इसकी, आप लोग देखते जाएँ, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाएँ। ये हमने ट्रे रेडी कर लिया है बेकिंग के लिए। सबसे पहले मक्खन लगाएं, अवन को प्री हीट कर लें और ट्रे भी रेडी कर लें। अब पेड़ों को हमने तकरीबन 5 to 10 minutes का रेस्ट देना है और उसके बाद इस तरह से इसकी रोटी बेल लेनी है। रोटी को आपने थोड़ा सा थिक रखना है, बिल्कुल से पतला नहीं करना। ये आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 1/4 inch थिक आपकी रोटी होगी और इसको आपने एलोंगेटेड शेप में बेलना है। उसके बाद हमने सीधे हॉरिजॉन्टल कट्स लगा लिए और ये हम इसमें डाल रहे हैं फिलिंग। फिलिंग भी आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही स्टेबल है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत रनी है या ये बह रही है और जिससे आपकी ब्रेड्स की शक्ल बिल्कुल ख़राब हो जाए। ये देखें चीज़ भी साथ साथ कितनी सारी रिच जो है वो इसके अंदर फिलिंग हो गई है। एक दफ़ा अरेंज करें, ये देखें टॉप से भी और बॉटम से भी पहले सबसे पहले आप इसको फोल्ड करेंगे और फिर उसके बाद क्रिस क्रॉस जैसे अम्मियाँ हमारी छोटे होते चुटिया बनाती थी ना, सेम आपने उस तरह से इसको, ये देखिए ये कितनी प्यारी बन गई। अगर आपकी ब्रेड थोड़ी टेढ़ी भी है या कुछ कर्व हो गया तो डोंट वरी, स्क्रेपर की मदद से साइड्स पे से इसको आप स्ट्रेट आउट कर लें, सिर्फ यही इसका ट्रिक है। अब आराम से इसको स्क्रेपर की ही हेल्प से आपने इसको लिफ्ट करना है और अपने बेकिंग ट्रे पे ये देखिए आराम से इसको लिफ्ट करके इस तरह से लगा दें। बस जस्ट बी कॉन्फिडेंट, आप लोगों ने घबराना नहीं है काम करते हुए। अब मैंने लिया है जी इसके ऊपर टॉपिंग के लिए एक अंडे की जर्दी और एक फुल अंडा, उसमें मैंने डाल दिया 1/4 cup के बराबर दूध और उसको अच्छे से विस्क कर लिया जिससे हम इसकी ब्रेड्स की टॉपिंग करेंगे। एक और ब्रेड आप लोग देख लें, एक तरीका मैंने आपको फिलिंग का बता दिया, ये दूसरा तरीका है। इस वाले मटेरियल में मैंने चीज़ ऐड नहीं की हुई, बोल में जो मैंने मटेरियल निकाला है, एक ट्रे मेरा रेडी हो चुका है। अब ये दूसरे तरीके से मैं आपको फिलिंग बता रही हूँ, इसमें आप ये कर सकते हैं कि चीज़ को ऊपर लगा दें, इससे भी ये होगा कि जब आप लोग बेक करेंगे तो फुल ऑन चीज़ जो है वो ओज आउट हो जाएगी। ये देखिए ऊपर से फोल्ड, नीचे से और फिर क्रिस क्रॉस,
टू मेक अ परफेक्ट शेप ऑफ द ब्रेड। ये आप लोग देखेगा कि अभी ये जो है ना ये थोड़ी सी कर्व्ड हो गई है ब्रेड की शेप। सो नो वरीज, ये देखें स्क्रेपर को आप साइड से लगाएं और अच्छे से इसको आप लोग बिल्कुल स्ट्रेटन आउट कर लें, बिल्कुल भी नहीं घबराएं इसको बनाते हुए। आराम से इसको भी आप लिफ्ट करें एंड प्लेस इट इनटू योर बेकिंग ट्रे। सो सारी की सारी मेरी ब्रेड्स रेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसे एग वॉश देंगे जो मैंने आपके सामने प्रिपेयर किया था विद 1 योग, 1 फुल एग एंड 1/4 कप ऑफ मिल्क। अच्छे से मिक्स करें और ब्रश की मदद से पूरी की पूरी ब्रेड्स पे आप लोग इसको अप्लाई कर दें ब्रश से। इसके अलावा हम इस पर लगाएंगे ऑलिव्स और फिर इसमें हम लोग थोड़ा सा ओरिगानो एंड सफ़ेद तिल ऐड करेंगे। चॉइसेस टॉपिंग्स की आपकी अपनी है, ये मैंने तिल स्प्रिंकल कर दिए हैं। इसके बाद हम एक एक अच्छे तरीके से इस पर आप लोग ऑलिव्स अरेंज कर लें और जब आप लोग ऑलिव्स लगा लें तो फिर भी उसके ऊपर भी एक दफ़ा ज़रूर एग वॉश करें। उससे ये होता है कि ऑलिव्स अच्छे तरीके से इस पर स्टिक हो जाते हैं। प्लस ऑलिव्स लगाते हुए आप लोग एक बात का ख्याल रखें कि इसको अच्छे से प्रेस करें ताकि ये एम्बेड हो जाए डो में, अदरवाइज़ ये है कि जब आप इसको निकालेंगे तो ब्रेड लिफ्ट करते करते ही ऑलिव्स उतर जाएंगे उसके ऊपर से। सो बेटर कि आप लोग पहले भी एग वॉश करें फिर भी दोबारा से करें और फिर इस पर हल्का सा धनिया स्प्रिंकल करें, कलौंजी डालें या वट एवर इज़ द चॉइस ऑफ योर टॉपिंग्स। और 220 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीटेड अवन में हमने इसको लगा दिया। अपर एंड लोअर रॉड दोनों ऑन है, दिस इज़ अ फैन फोर्स्ड अवन और इसमें ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट के बाद आप लोग देखेंगे कि इनके ऊपर टॉप पे बहुत ही सुनहरा सा प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया। तो अब एक साइड से तो ब्रेड्स बहुत अच्छी रेड हो रही हैं तो जो दूसरी वाली साइड है उससे थोड़ी कम थी। सो व्हाट आई थॉट वाज टू फ्लिप द ट्रे फॉर लाइक 4 मिनट्स अगेन, ये मैंने इसको फ्लिप कर दिया है। आप भी अपने उसमें अवन में ज़रूर वॉच करें, अगर आपका पूरा ट्रे फिल है और आपकी ब्रेड्स पे एक साइड से कलर आ गया और दूसरी से नहीं आया तो आप लोग 3-4 मिनट्स के लिए फ्लिप करके उसको दोबारा से ब्रॉयलिंग कर लें। सो जस्ट आफ्टर 4 मिनट्स ये आप लोग देख सकते हैं पूरी ब्रेड्स पे कितना ही प्यारा गोल्डन इवन कलर आ चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे अवन से और इसको ठंडा करने की या कूल करने की बिल्कुल से ज़रूरत नहीं होती है। इस पे हम सिर्फ लगाएंगे गरम गरम पे पिघला हुआ मक्खन। आजकल क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो फिर मक्खन खुद ही से पिघल जाता है, लेकिन अगर आप लोग कोई ठंडे एरियाज़ में हैं तो आप लोग मक्खन को थोड़ा सा मेल्ट कर लें या फिर अवन के ऊपर ही रख दें वंस द ब्रेड्स आर बेकिंग, तो वो खुद ही से उसके ऊपर पड़ा पड़ा मेल्ट हो जाएगा। सो देखें कितनी प्यारी ग्लॉस और जो इनकी कोई खुशबू आ रही है, द चीज़ द चिकन एंड द बटर, दिस इज़ सो रिच। ये देखें आप लोग नीचे से भी कितनी प्यारी पकी हुई है, बिल्कुल प्यारी गोल्डन हुई है, कोई जली नहीं है, ऊपर से भी इनका बहुत ही प्यारा सा कलर है और बॉटम से भी बिल्कुल से इवनली कलर्ड है। ये आप लोग अभी देख सकते हैं, मैं ये ब्रेड लिफ्ट करती हूँ, जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुली कलर्ड। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही ये बेहतरीन किस्म की ब्रेड्स बनती हैं और इसमें कोई भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी आप लोगों ने विजिलेंट रहना है, थोड़ा सा केयरफुली बनाइए। देखें कितनी प्यारी ब्रेड है माशाल्लाह से। सो आई होप कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी एंड यू गाइस गोना गिव इट अ ट्राई इन योर किचन्स। ईद पे अपने गेस्ट्स के लिए बनाएं, अपनी फैमिली के लिए बनाएं एंड मेक देम फील स्पेशल एंड हैप्पी। अगर फिर से भी किसी को कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरी हो जो आप लोग पूछना चाहते हैं या कोई स्टेप क्लियर नहीं है तो यू गाइस कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं इंशाल्लाह ताला सबकी क्वेरीज़ का ज़रूर रिप्लाई करूँगी। अगर थोड़ी देर हो जाए तो एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट, बट आई विल डेफिनेटली रिप्लाई देम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर फॉर नाउ, अल्लाह हाफिज़।